इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ बुक ट्यूबर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज तक आपने अपनी यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी वो सारी परेशानियां मिनट में ही खत्म हो जाएंगी। आपके सारे मिथ जो आप मान के चलते थे कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास ब्ला 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 चीज़ें नहीं हैं, वो सारे मिथ ख़त्म और आपकी जो आलस थी वो आलस भी आज ख़त्म हो जाएगी। आप बड़ी आसानी से एक अच्छी वीडियो तैयार कर पाएंगे। पहले बात करेंगे आखिर बुक ट्यूबिंग एंड बुक ट्यूबर्स क्या होते हैं। आप भली बात ही जानते हैं कि YouTube पर वीडियो बनाने वाले और पैसा कमाने वाले लोगों को, यानी कि मुझे, यूट्यूबर कहा जाता है। हम जैसे लोग यूट्यूबर कहलाए जाते हैं क्योंकि हम YouTube के लिए वीडियो बना करके पैसे कमाते हैं। वैसे ही बुक ट्यूबिंग खास तरीके की YouTube वीडियो होती है जो कि सिर्फ बुक्स के बारे में होती है। इन वीडियो में आप किसी बुक की स्टोरी या उसका रिव्यू, मतलब पढ़ने के बाद आपको बुक कैसी लगी, या बुक की समरी को लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। और ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप मान के चलते हैं कि जब मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा तब मैं एक अच्छी वीडियो बना पाऊंगा, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है या फिर आपका आलस है। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको आलस ही कह रहा हूँ क्योंकि आप सोच रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ समझिए एक चीज़ कि बुक ट्यूबर्स का बिजनेस कितना बड़ा है और उनके पास कितने कस्टमर हैं। एक पूरी रिसर्च बताती है कि हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में 35 करोड़ लोग हैं जो बुक से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, उनकी स्टोरीज, रिव्यू, कमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, और आने वाले सालों में ये संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि इंटरनेट के इस दौर में सभी वर्क ऑनलाइन होते जा रहे हैं, तो ऑनलाइन रीडर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन्हें कोई फिजिकल बुक अरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे जैसे लोग बुक ट्यूबिंग करते हैं जिसमें हम बुक्स की वीडियो के माध्यम से ही बुक से नॉलेज ले लेते हैं, तो ऐसी वीडियो को बनाने के लिए आपको एक DSLR कैमरा की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी सहायक की आवश्यकता है। आप अकेले अपने कमरे में एक कोने में बैठ करके अपनी वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल कैमरा स्टैंड भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक बुक के ऊपर मोबाइल को सेट कर सकते हैं। आपको अपना चेहरा भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ अपनी ऑडियो, जैसे कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ऑडियो डाल सकते हैं। ना ही आपको एक अच्छी क्वालिटी के माइक की आवश्यकता होगी, ना तो आपको कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या खास तरीके के एक्स्ट्रा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बुक ट्यूबर बनने के लिए सिर्फ दो चीज़ों का होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला होता है कि आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, आप जिस बुक की स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं या किसी हिस्से को पढ़ना चाहते हैं, रीड करके लोगों तक सुनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपके पास उस बुक की नॉलेज होनी चाहिए। आज के इस समय में कई लोग जिनको देखने में परेशानी हो रही है,
चश्मा लगा हुआ है, समय की कमी है या किताबें नहीं है, वो सभी लोग अपना टाइम मैनेज करने के लिए मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, घर पर लीड लगा करके वीडियो देखते हैं और सुनते हैं। तो फिजिकल बुक पढ़ने की बजाय वो अपने कानों में लीड लगा करके आपके द्वारा बनाई गई बुक वीडियो को सुनते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किस तरीके की बुक आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास बुक की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी फेमस राइटर की बुक की आवश्यकता नहीं है, आप एक नॉर्मल राइटर की बुक भी उठा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने एक साथी का उदाहरण देना चाहूँगा। विषय आज़ाद हमारे एक साथी हैं। विषय आज़ाद एक राइटर पोएट भी हैं, तो जो लोग उन्हें जानते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी एक बुक ले सकते हैं और उसमें काव्य पाठ कर सकते हैं। उसमें कुछ कविताएं हैं, स्टोरीज हैं, उन बुक को पढ़ करके लोगों को सुना सकते हैं। उन बुक की रिव्यू, आपको वह बुक कैसी लगी यह भी बता सकते हैं, या फिर आपके द्वारा लिखी गई बुक भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों का फ़ायदा होता है। फ़ायदा आपका, आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती जाएगी और विषय आज़ाद जैसे राइटर्स, उन लोगों को हेल्प मिलती है कि लोग उनकी बुक्स को डिमांड करते हैं। और एक बार जब आपकी ये बुक वीडियो पॉपुलर हो जाएगी तो उसके बाद विषय आज़ाद जी और ऐसे कई राइटर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया मेरी बुक का रिव्यू या मेरी बुक की एक स्टोरी आप अपने चैनल पर लोगों से शेयर करें। तो ये मॉडल बहुत अच्छा है और लेस रिसोर्सेज के माध्यम से आप एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, घर बैठे पैसा कमाने के लिए आप एक बुक वीडियो ज़रूर बनाएं। लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि आखिर आपकी वीडियो उनको कैसी लगी। इसमें आपको अपना चेहरा दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको एक अच्छे कैमरे की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बुक के पन्ने भी पलट करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पर्टिकुलर एंगल पर एक बुक के कवर को ही वीडियो फ्रेम में फिक्स कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कृपया करके कम से कम एक वीडियो बना करके आप अपलोड कीजिए। ज़्यादा फेमस होने के लिए आप किसी और यूट्यूबर का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब बडी की मदद ले सकते हैं, उनके चैनल पर भी आप इनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं एक और साथी टीचर राम जी प्रतीक मधेशिया का भी उदाहरण आपसे शेयर करूंगा। उनकी कमांड आर्ट्स के सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी है, तो मधेशिया जी भी चाहें तो अपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी बुक अपने पर्टिकुलर चैप्टर को वो स्टूडेंट्स को रीड करके सुना सकते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। गौरव सर से भी आग्रह करूंगा कि उन्होंने अपने मैथ, फिजिक्स पर और इकोनॉमिक्स पर बहुत अच्छी कमांड बनाई है। तो ऐसे सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया आज से ही बुक ट्यूबर बनने के अपने मार्ग को प्रशस्त करें, आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि घर में बैठ करके पैसा कमाना बहुत ही दिक्कत होगी आपको। ऐसे में आप इन माध्यमों से पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यू ले सकते हैं। कुछ ऐसे ही साथी कृष्ण कन्नौजिया, वो भी इसी आइडिया को अपना सकते हैं। और ऐसे तमाम मेरे व्यूअर्स
जो लगातार मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हैं वो इसके बारे में आपसे वीडियो के माध्यम से मुखातिब हो सकते हैं, मिल सकते हैं। दिनेश सर को इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्हीं की प्रेरणा से यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। तो दोस्तों, कोई भी एक बुक किसी भी खास टॉपिक की आप ले सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ब्यूटी टिप से रिलेटेड, किसी भी बुक का रिव्यू, चैप्टर, स्टोरी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह मुझे बताना न भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मुझे भी अपनी वीडियो का लिंक भेजिएगा, जिससे मुझे लगे कि आपने मेरी इस वीडियो से प्रेरणा ली और आप एक बुक ट्यूबर बनने के लिए अग्रसर हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।